नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सिरखेड़ा में खेत के रास्ते को लेकर सोमवार सुबह दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला बोल दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब 13 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 लोगों को गंभीर चोटें आई है। सभी घायलों को नीमच जिला अस्पताल लाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। वहीं एक गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रास्ते के मामले को लेकर बीती रात में भी विवाद हुआ था, जिसको लेकर नीमच सिटी थाने पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस जांच कर ही रही थी कि सोमवार सुबह दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। करने के बाद विवाद की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया और कैंट थाना प्रभारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से चर्चा की और पुलिस अधिकारियों को मामले में निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक खेत के रास्ते की बात को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष से राजू पिता रूपलाल बंजारा, बिहारी पिता कृष्णा बंजारा, रूपलाल पिता कृष्णा बंजारा, पिंटू पिता मदनलाल बंजारा, मदनलाल पिता कृष्णा बंजारा, जगदीश पिता गंगाराम बंजारा, कालू पिता मनसा बंजारा और कल्लू पिता गब्बा बंजारा और रोड़ सिंह पिता मनसा बंजारा घायल हुए हैं। उपरोक्त घायलों में मदन पिता कृष्णा बंजारा की हालात को गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में नीमच जिला अस्पताल में भोपाल सिंह पिता गोरीलाल बंजारा, जगदीश पिता गंगाराम बंजारा, गोपीलाल पिता गोरीलाल बंजारा, अमर सिंह पिता चतरा सिंह बंजारा, गोपाल पिता गोरीलाल बंजारा, निर्भय सिंह पिता रामलाल बंजारा, राकेश पिता नाहर सिंह और तूफान पिता गोपीलाल घायल हुए हैं। कल रास्ते में निकलने को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ था, इस पर कायमी भी कर ली गई थी। आज सुबह फिर इन लोगों को उसी बात को लेके झगड़ा हुआ था, तो उसमें कुल 13 लोग, एक तरफ से 8 और एक तरफ से 5 लोग घायल हुए हैं। एक सीरियस है और बाकी इलाज चल रहा है बाकी लोगों का। अभी घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, अभी स्थिति सामान्य है। जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये रास्ते में सरकारी रास्ता या निजी, इनका क्या था सर मतलब? एक पक्ष का कहना है कि वो निजी रास्ता है, उनका खेत है, उसमें से दूसरा पक्ष जाना चाहता है। दूसरा पक्ष कहना है कि वो सरकारी रास्ता है, पुराना वो लोग निकलते रहे हैं, ऐसा कहना है। अभी पिछले साल उनकी ज़मीन एक पड़ोसी ने बेच दी है, तो पहले निकलते रहे होंगे उस रास्ते से, लेकिन अब उसने बेच दी, जिसने खरीदी वो उससे नहीं निकलने देना चाहता। और जो पुराना जो रास्ता है, जो अलग से सब लोगों के लिए बना है, उस पर निकलने के लिए इनको बताया। तो अभी देखेंगे जांच करके, अभी इन लोगों का आपस में क्या मुख्य कारण क्या रहा। सर, जो हमला हुआ एक दूसरे के ऊपर कैसे किया गया? ये आपस में पथराव किया है, और अभी ये जो भी साक्ष्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।